हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम आए एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाने लगे हैं पनीर चिल्ली की रेसिपी। तो ये जो पनीर चिल्ली हम बनाएंगे, ये बिल्कुल इसका जो टेस्ट होगा ये बिल्कुल होटल की तरह होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है 2 शिमला मिर्च लिए, इनको जो है हम इक्वल इक्वल पार्ट्स में यानी कि चॉप कर लेंगे और थोड़े से जो है इसके पीसेस को बड़ा बड़ा रखेंगे। देखिए इस तरह से जो है मैंने इसको चॉप कर लिया है और इसी तरह से जो है मैंने एक प्याज को भी चॉप कर लिया है। तो प्याज को भी आपको इसी तरह से करना है, इसको बारीक बारीक या पतला पतला नहीं काटना है। इसके जो पीसेस हैं थोड़ा सा क्यूब्स की तरह बड़े बड़े रखने हैं। और यहाँ पर जो है मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसको भी उसी तरह से जिस तरह से हमने शिमला मिर्च और प्याज का साइज रखा था उसी तरह के क्यूब्स हमने यहाँ पे इसके बना लिए हैं। जो सारी वेजिटेबल्स हम चॉप करेंगे वो इक्वल साइज़ की रहेगी, तो हमारा जो चीनी पनीर रहेगा वो बिल्कुल अच्छा दिखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनेगा। क्योंकि अगर हम किसी सब्जी को बारीक काट देते हैं या किसी को बड़ा काट देते हैं, बड़ा छोटा, तो वो ये रहेगा कि बाद में कोई सब्जी पहले गल जाएगी, कोई सब्जी बाद में गलेगी, तो जो है उसका टेस्ट इक्वली नहीं आएगा। तो हमने जो है सारी सब्जियों को इक्वली पार्ट में काट लिया। और यहाँ पे मैंने जो है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 चम्मच जो है चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप जो है मैदा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है एक बोल में दोनों का मिक्सचर अच्छी तरह से बना लिया है। और अब जो है इसमें थोड़ा सा जो है चुटकी भर जो है नमक डालेंगे। और अगर आप पंजाबी जो है पनीर यूज़ कर रहे हैं, कोई कोई सा पनीर ऐसा होता है जिसमें ऑलरेडी सॉल्ट रहता है, तो आपको यहाँ पे जो है सॉल्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वाला जो पनीर था वो प्लेन पनीर है, इसमें जो है सॉल्ट नहीं है, तो मैंने यहाँ पर जो है इसमें चुटकी भर नमक का ऐड किया है। और जो आपने जो पनीर सारे क्यूब्स करके रखे थे उनको जो है हम इस तरह से इसमें जो हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और जो हमने आटा यूज़ किया है चावल का, उसमें हम इसको थोड़ा सा जो है इसकी कोटिंग कर लेंगे, ताकि जो है हमारा पनीर हल्का सा जब इसको हम फ्राई करें तो ये क्रिस्पी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे जो है एक कढ़ाई में एक थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब इसको जो है हम हल्का सा जो है लाइट ब्राउन करके फ्राई करेंगे। और ये आप इस तरह से जब इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। थोड़ा सा ऑयल जो है थोड़ा सा ज़्यादा रखें और बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं करना है। आप इसको कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो है बहुत ज़्यादा डीप फ्राई के लिए ऑयल नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने कम ही ऑयल लिया है। तो इसमें भी देखना आप, ये बिल्कुल नहीं लगेगा। और इस तरह से हमने जो है एक एक करके अपने सारे पनीर के जो टुकड़े थे उसको रख लिया है। और आप भी जो है एक साथ इसको नहीं डालना है ऑयल में, हमको एक एक करके सेपरेट करके ही इसको जो है ऑयल में इसको छोड़ना है एक एक करके, क्योंकि हम एक साथ जब डाल देंगे तो ये हलवा की तरह बन जाएगा। और ये देखिए इसको हमने एक एक करके सबको पलट दिया है और इसका जो कलर है कुछ इस तरह से आ गया है। तो इसी तरह से जो है हमको इसका कलर चाहिए। तो इसी तरह से जो है आप भी अच्छी तरह से इसको बिल्कुल कम मीडियम आंच पे इसको जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और अब जो है मैंने अपने सारे पनीर के क्यूब्स को निकाल दिया है और उसी ऑयल में मैंने यहाँ पे जो है 3 से 4 जो है लहसुन की कली, और उसके बाद मैं एक टुकड़ा जो है गार्लिक का, और उसके बाद 2 से 3 मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची का जो है पेस्ट बना लिया है। तीनों चीज़ों का अच्छी तरह से पेस्ट बना के अब हमने जो ऑयल इसमें जो हमारा ऑलरेडी था उसी में हमने जो है इसको ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा जो है फ्राई करेंगे, ताकि हमारा जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो कच्चापन है वो हल्का सा जो है कम हो जाए। तो अब हमारा जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो अच्छी तरह से पक गया था। तो हमने जो अपनी वेजिटेबल्स यहाँ पे चॉप करके रखी थी, प्याज और शिमला मिर्च, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। और यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जो है काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो इन चीज़ों को जो है हमने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। उसके बाद हमने जो है 1/2 चम्मच से भी कम नमक ऐड किया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पनीर में भी नमक ऐड किया था। और उसके बाद जो है हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि आगे भी हम जब इसमें सॉसेस ऐड करते हैं तो वो उसमें भी बहुत सारे सॉस में नमक होता है। तो उसके हिसाब से आप नमक बिल्कुल कम डालें। और मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है।
इन सारे जो मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि ये मसाले भी अच्छे से पक जाएं, कोई भी मसाला जो है कच्चा कच्चा ना रहे। तो अब हम जो है मैंने यहाँ पे सोया सॉस ऐड किया है, करीबन ये 1 से 1.5 चम्मच के आसपास होगा। तो इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेना है और उसके बाद जो है ये भी अच्छी तरह से पक जाएगा, इसको हम मिला लेंगे। अब उसके बाद जो है हम इसमें दो जो ढक्कन भर के या फिर आप कह लें 2 चम्मच भर के हम यहाँ पे विनेगर यूज़ करेंगे। और मैंने जो इसमें इसमें ढक्कन से ही डाला है क्योंकि ये 1 चम्मच के अकॉर्डिंग है, तो मुझे यहाँ पे अंदाज़ा था तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहें तो स्पून में लेके डालें या फिर इससे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ढक्कन यूज़ किया है, उसी के ढक्कन से जो था। अब हमने इसको जो है इसकी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है 1.5 चम्मच जो है कॉर्न स्टार्च लिया है और 1/2 चम्मच जो है चावल का आटा इसमें मिलाया है। उसके बाद हमने जो है इसको 1 कटोरी पानी में अच्छी तरह से फेंट लिया है, उसके बाद इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। और बाकी का जो है वो चावल का आटा 1 कटोरी से भी कम जो पानी था तो मैंने 1/2 कटोरी पानी इसमें और ऐड करा है। और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये देखिए इसकी जो ग्रेवी है वो कुछ इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने जो है हल्का सा कलर वाला मिर्ची इसमें ऐड किया है और इसके बाद जो है हम अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। इससे जो है इसकी ग्रेवी जो है थिक हो जाती है जैसे कि आपको चाहिए होती है। तो अगर आप जो है इसको फ्राइड राइस के साथ भी खाना चाहते हैं तो आप इसको जो है ग्रेवी को इस तरह से आप लिक्विड की तरह थोड़ी सी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो है ग्रेवी को बढ़ा सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे जो है 2 से 3 चम्मच भर के जो टमाटो सॉस है मेरा, टमाटो चिली सॉस जो हल्का सा जिसमें थोड़ा सा रेड चिली का फ्लेवर भी होता है, ये बहुत खट्टा मीठा टाइप का होता है, उस वो वाला मैंने सॉस डाला है। यहाँ पे मैंने केचप नहीं डाला है। तो अब मैंने इस टाइम पर 3 से 4 चम्मच भर के यहाँ पे डाल दिया है। अब जो है हमारा पनीर चिली बिल्कुल एकदम से तैयार हो गया था तो मैंने लास्ट में सबसे इसको सॉस को ऐड किया है। और ये देखिए आप इस तरह से जो है पूरा बन गया है। आप चाहें तो इसको ड्राई भी बना सकते हैं। और अब यहाँ पर हम 1 चम्मच भर के जो है हनी का यूज़ कर रहे हैं। हनी जो है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसकी जगह आप जो है चीनी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। और आप अगर आपको इसको ड्राई करना है तो और भी ड्राई कर लें। मैंने इसको राइस के हिसाब से बनाया है तो मैंने हल्की सी जो है इसमें ग्रेवी रखी है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।